यूपी के मिर्जापुर में निकाली मशाल यात्रा, मतदान के प्रति किया जागरूक। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र के द्वारा मतदान जागरूकता रैली का आयोजन नगर के संकट मोचन से आशीष टोपी वाले की अगुवाई में निकाली गई। रैली जिला अस्पताल होते हुए जिला मुख्यालय पर आकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार एवं CDO लक्ष्मी BS के द्वारा समापन किया गया। रैली का उद्देश्य 7 मार्च को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लोगों को कहा गया। उन्होंने कहा कि नगर में मतदान परसेंटेज हमेशा कम रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिन रंगोली के माध्यम से मतदान जागरूकता, बारात के माध्यम से लोगों को जागरूकता किया गया और आज स्कूली बच्चों के द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूकता किया जा रहा है। पेश है मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। ज्योति यादव जी, आज जागरूकता चलाया जा रहा है, पूरा क्या है ये? मतदाता जागरूकता का रैली है, हम लोग इसमें आए हैं और हम यहाँ संकट मोचन से कचहरी तक आए हैं। हमें यहाँ पे आके यही पता चला है, क्या नाम है, अपने 7 मार्च को आना है, इसमें वोट देना है अपने अच्छे अच्छे, क्या नाम है, एक एक वोट इसमें कीमती है, इसीलिए बोला जा रहा है 7 मार्च को वोट देना बहुत ही ज़रूरी है। अपने घर पर भी जाके, अपने फैमिली पर जाके सबसे बोलना है कि 7 मार्च को वोट देना बहुत ज़रूरी है। मिर्जापुर जनपद में दिनांक 7 मार्च 2022 को मतदान है और इसी के अंतर्गत हम स्वीप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मतदाताओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि उनके द्वारा अधिकाधिक मतदान किया जाए और मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। इसी के क्रम में आज यहाँ पर मशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुक्त महोदय के कार्यालय से यहाँ कलेक्ट्रेट तक वो मशाल रैली निकाली गई है और लोगों को उस रैली के माध्यम से जागरूक किया गया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।